वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड पर करेक्शन कैसे करें, कोई गलती हुई हो तो ठीक कैसे करें। कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है एक, और आपकी करेक्शन ठीक हो जानी है, जो कुछ भी गलत है वो ठीक हो जाना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, उधर UIDAI टाइप करना है। UIDAI टाइप करने के बाद जो सबसे पहली ऑप्शन है, वेबसाइट है UIDAI की, उस पर आपको क्लिक करना है। ये जो मैंने मार्क की है उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आप देखोगे जैसे बहुत सारी ऑप्शन हैं, बीच में आपको केवल जाना है बुक एंड अपॉइंटमेंट पे, जो जो मैंने नीचे ये वाली मार्क की है इस पर जाना है आपको, और कहीं नहीं जाना। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक और नई टैब ओपन होगी। ये देखो ये बुक एंड अपॉइंटमेंट है ना, जूम करके बताया आपको, इस पर क्लिक करना है। हाँ, इस पर मैंने अभी क्लिक किया तो इधर बहुत सारी ऑप्शनें आ जाती है, जैसे बेंगलोर है, पटना है, रायपुर, रांची, शिलोंग, सूरत, विशाखापट्टनम, ये सब है। तो जैसे मैं अमृतसर से हूँ तो मैं अमृतसर चूज़ करूँगा। आप कुछ भी कर सकते हो जहाँ पर आप रहते हो। जैसे मैंने अमृतसर किया तो मैं फिर आगे मैं कर दूँगा बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दूँगा। फिर हमारे पास तीन ऑप्शनें आ जाती हैं, जैसे आधार अपडेट, न्यू आधार और मैनेज अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये देखो ये है हमारा न्यू आधार अपडेट, ये है हमारा न्यू आधार और ये है मैनेज अपॉइंटमेंट। आधार अपडेट पर जैसे आपकी कोई करेक्शन हो वो ठीक करानी है, जो न्यू आधार है जैसे आपका कोई छोटा बच्चा या किसी का आधार कार्ड नहीं बना उस पर, और मैनेज अपॉइंटमेंट है जैसे आपकी आज अपॉइंटमेंट आप नहीं जा पाए किसी कारण, तो उसको डेट आगे लेनी है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर भरें, उसके बाद कैप्चर लिखें जो भी है, और OTP जनरेट करें, और कुछ नहीं करना है, केवल ये दो इजी स्टेप है आपके। उसके बाद जनरेट करने के बाद वेरीफाई OTP करें। ठीक है, OTP वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले ये देखो आपने इधर अपना आधार नंबर फिल करना है। अपना आधार नंबर लिखो, जो भी आपका आधार नंबर, जैसे मैंने ये गलत आधार कार्ड देखा तो ये वेरीफाई नहीं करेगा, फिर मैंने ठीक आधार कार्ड भरा है उसके बाद ये वेरीफाई कर, ये देखो। उसके बाद आपको नीचे अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है, जैसे इस मेरे भाई साहब का नाम राहुल है, मैंने राहुल लिखा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन टाइप डॉक्यूमेंट ही रखना है, HOF नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी स्टेट से हो, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट कर देनी है, और उसके बाद जो आपका सिटी में जो सेवा केंद्र पड़ता है वो सेलेक्ट कर देना है, और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आ रही है, जे बायोमेट्रिक की है, ठीक है, जे न्यू मोबाइल नंबर है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जो सबसे पहले नेम है, जेंडर है, न्यू मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, बायोमेट्रिक है। आपको जो ठीक कराना है आप वहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ, जो आपने नेम ठीक कराना है, नेम ठीक कराने के बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी डिटेल है आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे डेट ऑफ बर्थ ही है वहाँ, डेट ऑफ बर्थ के जे जो सबूत है, प्रूफ है, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, हमारे पास ये सबूत है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसकी बायोमेट्रिक अपडेट करनी है और एक फ़ोन नंबर अपडेट करना है, करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो जो स्लॉट है खाली बता रहा है वाइट वाली, जो रेड है जो फुल स्लॉट है, इधर जो तारीख बताएगा आपको, जो भी तारीख लेनी हो आप जब भी फ्री हो अपॉइंटमेंट जाने के लिए, वो सिलेक्ट कर देनी है। जैसे अब मैंने, ठीक है, जो तारीख सेलेक्ट कर दी, अब स्लॉट देखूँगा, ठीक है, मुझे कौन सा स्लॉट चाहिए, मैं वो स्लॉट दूंगा। जैसे मेरे को ये वाला स्लॉट चाहिए, जहाँ पे क्लिक करके मैंने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने देख लेना है सब कुछ ओके, और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी नई टैब ओपन हो जाएगी, जिस पर आपने फ़ीस सबमिट करानी है, ऑनलाइन फ़ीस सबमिट होगी आपकी, जैसे जो भी आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड हो सेलेक्ट कर देना है। मैं UPI के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप UPI से कैसे पेमेंट करोगे, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पेटीएम, या पेटीएम के जरिए वॉलेट, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, जैसे मैं इधर अपना बारकोड पे क्लिक करके पेमेंट कर दी मैंने। हाँ, आ गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, केवल उसी का प्रिंट लेना है और कुछ नहीं करना। सीधा सा आप एप्लीकेशन फॉर्म पर जाओ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पर जाओगे तो इसको आप देख रहे हो, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, केवल फर्स्ट पेज की ही लोड है। दोस्तों केवल ये वाला पेज ही लेके जाना है आपको, और कोई पेज नहीं लेके जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे।